हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल हेल्थ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में जिससे करोड़ों लोग दुनिया में अफेक्टेड हैं और वो 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा बीमारी है जिससे 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इससे कैरियर हैं, इसके कैरियर इंडिया में, और 10 लाख से बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं और 10,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल थैलेसीमिया मेजर लेकर के पैदा होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे 20 साल से ज़्यादा उम्र तक नहीं जी सकते हैं। तो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसका नॉलेज रखेंगे तो इसको 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत डेंजरस बीमारी नहीं है लेकिन देखने में डेंजरस लगता है। अगर हम इसके बारे में जान लेंगे तो इसका जो क्या क्या प्रिवेंशन है तो इसकी नॉलेज ले करके हम इसको 100% रोक सकते हैं। तो समाज के जागरूकता के लिए ये हम जो वीडियो है आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और इसके बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में नॉलेज रखिए। तो सबसे पहला ये जान लेते हैं कि इसको ये बीमारी क्या है। ये जानने में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जेनेटिकल बीमारी है जो क्रोमोजोम में होता है। क्रोमोजोम में जो है, अगर म्यूटेशन हो जाने से एक प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन जो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाता है, वो अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो हेमोग्लोबिन नहीं बना पाता। तो हेमोग्लोबिन में एक RBC होता है। वो RBC क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। अगर ऑक्सीजन का कमी किसी हिस्सा में हो जाएगा तो वो हिस्सा डैमेज होगा। तो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं बनने की वजह से बॉडी खासकर डैमेज होता रहता है। अगर मान ले कि अगर किसी एक क्रोमोजोम में अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा ठीक है, तो उसको हम थैलेसीमिया कैरियर कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि लोग का जो ब्लड है वो नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है। मान लो कि 13 चाहिए तो 10-9 रहता है, जिससे बॉडी काम चला लेती है, उसको थैलेसीमिया कैरियर कहते हैं। लेकिन थैलेसीमिया मेजर एक केस होता है जिसमें दोनों क्रोमोजोम में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन नहीं बन पाता और RBC का कमी हो जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है और ये हमारे बॉडी को अफेक्टेड करता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो सिम्टम दिखाना शुरू कर देता है। जैसे पहला सिम्टम है, उसका बोन कमज़ोर हो जाता है, उसके बॉडी के हर हिस्सा में दर्द बोलेगा, उसका हाइट जो होता है, ग्रोथ जो है रुक जाता है, उसमें ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, जिसके जो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने से ही होता है, ये सब सिम्टम दिखाता है बच्चा। उसके बाद ये अब दूसरा जान ले कि इसको रोकने का क्या क्या तरीका है। मान लीजिए कि अगर कोई लोग थैलेसीमिया कैरियर, दो हस्बैंड और वाइफ, ये जानते हैं कि वो थैलेसीमिया कैरियर हैं, अगर उनको बच्चा होता है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कुछ टेस्ट हम कर सकते हैं ये जानने के लिए कि वो बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं है, कि कैरियर में ही है। तो ये करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि मदर के वोम से बच्चा के आसपास में जो फ्लूइड होता है उसको ले करके टेस्ट करते हैं। दूसरा टेस्ट है कोरियोनिक विल्लाई, एक सैम्पलिंग होता है जो प्लासेंटा से कुछ हिस्सा ले लेते हैं और उसका सैम्पलिंग करते हैं। तीसरा होता है जेनेटिकल, जेनेटिक्स से जान करके ये जानते हैं कि ये जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। उसके बाद अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं जिसको हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि ये जो बच्चा हुआ है ये थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। इसीलिए इसको हम लोग 100% प्रिवेंटेबल कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी को भी ये बीमारी होता है, अगर वो जानता है कि वो थैलेसीमिया कैरियर है तो जिससे वो शादी कर रहा है, जो उसका पार्टनर है, उसको पहले टेस्ट करवा लेंगे कि उसको थैलेसीमिया है कि नहीं। उसके बाद अगर मैरिज करेंगे तो इस बीमारी को 100% प्रिवेंटेबल किया जा सकता है। जो बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा,
या थैलेसीमिया कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। इसीलिए ये वीडियो का बनाने का मकसद है, अगर आप लोगों को इस ये जो थैलेसीमिया है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी डाउट हो रहा है या कुछ भी पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जल्दी वापस आएंगे और आपके सवालों का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वीडियो को देखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू।